प्राणधार सुंदर सच। यहाँ गांव के काफी सुंदर सा धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, और मैं देखता हूँ हर वर्ष सभी बहनें चाहे किसी भी पंथ में हो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये व्रत क्यों रखा जाता है? अपने सुहाग की सुरक्षा के लिए। ऐसी मान्यता है कि जो ये व्रत रखेगा उसका सुहाग सुरक्षित रहेगा, पति पत्नी के जीवन में खुशियां रहेंगी। पूछा जाए ऐसा क्यों करते हैं? आपने कहानी सुनी होगी, अनसुईया की कहानी सुनी होगी। पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव अनसुईया की तपस्या पर प्रसन्न हो जाते हैं और दर्शन तो देते हैं लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि देखो हम तुम्हें नग्न देखना चाहते हैं। पौराणिक कथा है, सच्ची नहीं है, शिक्षा के लिए बताई गई है, समझने की बात है। अनसुईया संकल्प लेती है, अपने पति का स्मरण करती है, परमात्मा का ध्यान करती है और संकल्प करती है कि तीनों देवता बालक बन जाए। 6 महीने के बालक बना देती है, पालने में झुला रही होती है। अब तीनों की जो धर्म पत्नी आप जानते हैं, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती और शंकर जी की अर्धांगिनी उमा, तीनों परेशान कि उनके पतिदेव तो बालक बने हैं, पालने में झूल रहे हैं। आकर के देखती हैं कि तीनों तो हमारे पतिदेव पालने में झूल रहे हैं, आखिर किसके कारण? एक अनन्य निष्ठा के कारण एक ऋषि की पत्नी जो ब्रह्मांड में सर्वोपरि कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों को बालक बना देती। ये तो आप सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं। एक नारी के अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? उसके अंदर प्रेम की निष्ठा है, अपने जो पति हैं अत्रि ऋषि, अत्रि के पति अनसुईया। आप चित्रकूट जाइए तो मंदाकिनी नदी के किनारे आज भी अनसुईया का मंदिर बना हुआ है। वो अत्रि ऋषि की तपोस्थली थी। अत्रि ऋषि किसकी आराधना करते हैं? उसी परमात्मा की। देवता किसको कहते हैं? देवता उसको कहते हैं जो देता है, केवल लेता कुछ नहीं है। हाँ, आपसे वो श्रद्धा लेता है। घरों में देवता की के नाम पर पूजा होती है, लोग सोचते हैं कि चबूतरा बना दिया, कुछ पूरी मिठाई रख देते हैं, कहते हैं कि घर का देवता है। घर का देवता तो सबसे पहला देवता कौन है? मातृदेव हो, माता देवता है, जिसने आपको जन्म दिया है। पितृदेव हो, पिता देवता है, उसने पालन पोषण किया है। आचार्य देव हो, आचार्य देवता है, क्योंकि उसने ज्ञान दिया है आपको। पति के लिए पत्नी देवी है और पति देवता है। पति परमेश्वर नहीं होता, पति देवता होता है, क्योंकि वो पत्नी का संरक्षण करता है। मैंने अभी करवा चौथ की बात कही, 2 युवक युवती होते हैं, उनका विवाह होता है, माता पिता कर देते, पता नहीं होता दोनों को, पूर्व जन्म का भी उनको पता नहीं होता कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, पशु पक्षी की योनि में थे, कहाँ थे। एक रिश्ता टूटता है, दूसरे से रिश्ता टूट जाता है। ये माया के झूठे रिश्ते हैं। संसार को चलाने के लिए इस संसार में कोई पति बन जाता है, कोई पत्नी बन जाती है, कोई पिता बन जाता है, कोई माँ बन जाती है, कोई पुत्र बन जाता है। पूर्व जन्म में कोई धन लिया होता है तो इस जन्म में लड़की के रूप में पैदा हो जाता है, सारा धन ले जाता है, या उसी के घर में जन्म ले लेता है, बीमारी में सारा पैसा खर्च कराकर फिर दुनिया से चला जाता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। हिमालय में कोई एक महात्मा रहते थे, उनके पास कुछ भक्तजन पहुँचे, कहे कि महात्मा जी आप अपने जीवन की कहानी कुछ बताइए। उस महात्मा की आंख से आंसू आने लगे, कहे कि देखो आप लोग मेरे दर्शन के लिए आए हो लेकिन मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरी है। पहले मैं एक सेठ था, मेरे साथ का भी एक सेठ था, हम दोनों व्यापार करने के लिए गए हुए थे।
मेरे मन में पाप आ गया कि इस अपने इस मित्र सेठ को मैं विष दे करके मार देता हूँ तो इसका सारा धन मेरा हो जाएगा और मैं बहुत जल्दी धनवान ज़्यादा हो जाऊँगा। उसने ऐसे ही किया, रात को भोजन में विष पिला दिया और वो सेठ मर गया। मैंने उसका सारा धन लेकर अपना व्यापार बहुत बढ़ा लिया। मैं नगर में बहुत बड़ा धनवान कहलाने लगा, चारों ओर मेरी प्रतिष्ठा हुई। मैंने विवाह किया और मेरा एक पुत्र हुआ, बहुत सुंदर था। कुछ समय के बाद जब वो युवावस्था में पहुंचा, 16 साल का हुआ, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं उससे बहुत लगाव रखता था, मैंने पैसा इतना लगा दिया कि सारा धन उसके ऊपर खर्च कर दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक रात, आधी रात का समय था, जब मैं सोया हुआ था, अचानक लगा कि वह लड़का मेरी तरफ देखकर गुर्राया। पूछा, क्या पहचानते हो तुम मुझे? कहा कि नहीं। कहा कि याद रख लो, मैं वही सेठ हूँ, तुम्हारा मित्र जिसको तुमने विष दे करके मारा था। मैं तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारी सारी संपत्ति को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ, अब मैं जा रहा हूं। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। उस महात्मा जी ने कहा कि मैंने जब सोचा कि मैंने धन के लिए अपने मित्र को मारा और यही मेरा पुत्र बनकर मेरा धन सारा भी बर्बाद भी कर दिया, मैं इसको अब रखकर क्या करूंगा? मैं महात्मा बन गया हूं, आप लोग मुझे पूज्य मानकर तो आए हैं, लेकिन ये मेरी कहानी है कि कभी भी पाप नहीं करना। हम क्या देखते हैं, जैसे कोई बहन करवा चौथ का व्रत रखती है तो क्या सोचती है कि मेरा पति अखंड रहे, मेरा सुहाग अखंड रहे, लेकिन कभी वो सोचती है कि वो तो शरीर का पति है, आत्मा का भी तो पति कोई होना चाहिए। जो गठबंधन होता है, फेरे चार फेरे लिए जाते हैं। एक बात कहूँ कि फेरे चार होते हैं, सात फेरे नहीं होते, सप्तपदी होती है। सप्तपदी का अर्थ क्या होता है? सात कदम चलना, साथ साथ पति पत्नी एक साथ चलते हैं तो घनिष्ठता का संबंध स्थापित हो जाता है। हमारी संस्कृत कहती है कि जब किसी के साथ आप प्रेम पूर्वक सात कदम चल देते हैं तो उससे मित्रता का संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए सात फेरों की बात गलत है, सात फेरे नहीं होते, फेरे चार ही लिए जाते हैं। तो आप देखिए, इस संसार में मोह का बंधन कितना प्रबल होता है। हमारे एक सुंदर साथ थे, एक आश्रम की बात है, बड़ोदरा आश्रम की, जब हम वहाँ रहते थे तो हमने देखा जब भोग लगता था तो महिला सुंदर साथ कहती कि नहीं, राज जी को भोग बाद में लगेगा, पहले मेरा पति खाएगा, और जबरदस्ती लड़ झगड़ कर भोग से पहले ही निकाल कर रसोई से ले जाती थी, अपने पति को खिलाती थी। वो क्या है? मोह है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, ये जगत महात्मकम प्राहु अव्यक्तात् व्यक्त संचकम, ये मोह का संसार है। एक धर्मशाला होती है, धर्मशाला में लोग आकर के ठहर जाते हैं और सवेरे सवेरे सबको अपने काम पर जाना होता है। ये दुनिया एक सराय है, धर्मशाला है, कुछ समय के लिए लोग मिलते हैं। समुद्र में क्या होता है? लकड़ियां बह रही होती हैं, लकड़ियां, दो लकड़ियां पास आती हैं, फिर लहरों के झोंके से कुछ समय के बाद वो अलग हो जाती हैं। यही तो कहानी है। आप किसी के घर में पैदा हुए, आपके माता पिता ने आपको पालन पोषण किया, कुछ समय के बाद आपके माता पिता दुनिया से चले जाते हैं, आपके दादा दादी तो पहले चले जाते हैं, अब कुछ समय के बाद आप खुद पिता बन जाते हैं, कुछ और समय बीतता है और पिता से अब दादा बन गए और आपके पोते हो जाते हैं, धीरे धीरे दादाजी के भी जाने का समय हो जाता है। और यदि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, या जान लिया कि मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है, तो आवागमन के चक्र से छूट जाना पड़ता है। यदि नहीं पता चला तो क्या होता है? 84 लाख योनि में फिर भटकना पड़ता है। गौतम बुद्ध के साथ एक घटना है। एक राजा को अपनी रानी से बहुत प्रेम था, रानी ने शरीर छोड़ दिया। राजा सोचता है कि अब मैं जी कर क्या करूँगा, मेरी तो पत्नी ही नहीं है। मंत्रियों ने बहुत समझाया कि महाराज, राज्य का शासन कौन करेगा, आप शरीर मत छोड़िए। कहा कि नहीं, मैं तो मरूंगा। सब समझाते समझाते थक गए, उसने चिता भी तैयार करा ली कि पत्नी नहीं है तो मैं अग्नि में कूद कर मैं प्राण दे दूंगा।
उस समय भगवान बुद्ध उधर से गुजरे। भगवान बुद्ध ने भी समझाया, लेकिन मोह तो ऐसा नशा है कि जब मोह लग जाता है तो मनुष्य उसी के पीछे अंधा हो जाता है। बुद्ध ने अपनी दिव्य शक्ति से उस चींटी की भाषा में बात किया। चींटी ने कहा कि मैं इस व्यक्ति से क्यों बात करूं, मेरा अब अलग परिवार है। बुद्ध ने दिव्य दृष्टि से देखा कि इसकी रानी तो चींटी क्यों नहीं में जा चुकी है। उन्होंने किसी तरह से उस जो रानी जो चींटी बन गई थी उसको आग्रह किया कि देखो मैं तुम्हारे पति जो पूर्व के पति हैं राजा उनसे मैं बात करवाता हूँ, तुम बात कर लो। और राजा को ऐसी शक्ति दे दी कि वह चींटी की भाषा समझ सकता था। चींटी ने अपनी कठोर वाणी में कहा कि मेरा ये भरा पूरा चींटियों का परिवार है, मैं जब रानी थी तब रानी थी, मुझे अब तुमसे कोई छुपी लेना देना नहीं। आप सोचिए पति पत्नी दो रहते हैं, दोनों में अच्छे संबंध होने चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि हर स्त्री सीता बने, हर पति राम बने, लेकिन यदि ज्ञान हो जाए कि नहीं हमारी आत्मा का पति एक है, जैसे पृथ्वीपति शब्द है, पृथ्वीपति का अर्थ क्या होता है, जो पृथ्वी का मालिक। उमापति किसको कहते हैं, शंकर जी को उमापति कहते हैं। लक्ष्मीपति कौन है, विष्णु भगवान। यदि कोई बहन, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ कोई बुरा न माने, यदि कोई बहन उमापति भगवान शिव की भक्ति करती है तो वो तो उमा के पति हैं, आपके तो पति हुए नहीं। लक्ष्मीपति लक्ष्मी के पति हैं, आपकी आत्मा का पति कौन होगा। इसलिए वाणी क्या कहती है, पति व्रता पड़े से भी है। एक परमात्मा कौन है। आप शंकर जी का चित्र देखिए, शंकर जी क्या करते हैं, आंखें बंद किए हैं, ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं, उनका भी तो कोई परमात्मा है जिसका वो ध्यान कर रहे हैं। शंकर जी ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं, विष्णु भगवान ध्यान कर रहे हैं, हनुमान जी ध्यान कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ध्यान कर रहे हैं। ये महापुरुष हैं, संसार को संदेश दे रहे हैं। शंकर जी को देखिए, सबसे रिश्ता तोड़े बैठे हैं, कैलाश की गुफा में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, किसके लिए। महेश्वर तंत्र में एक प्रसंग आता है, भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है इसको जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई, और उस समाधि में जो ज्ञान मैंने सुना है वह तुमको बता रहा हूँ, और जो ज्ञान तुमको बता रहा हूँ वो तुम गणेश को भी नहीं बताना और कार्तिकेय को भी नहीं बताना। शंकर जी के दो पुत्र हैं, आप किसी भी जाकर के विद्वान से पूछिए जो पुराणों को पढ़ता है वो बताएगा, एक पुत्र है गणेश जी और एक पुत्र है कार्तिकेय। शंकर जी स्वयं अपनी धर्मपत्नी उमा को मना कर रहे हैं कि जिस अक्षरातीत का मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ, जिनका मैं ध्यान करता हूँ, उनका ज्ञान सुनने के लिए गणेश और कार्तिकेय भी इस योग्य नहीं है। सबको वहाँ से हटा दिया था। आपकी तरह जैसे यहाँ तो भीड़ इकट्ठी करके जबरन बुनाया जाता है कि आइए सुनिए अक्षरातीत कौन है, पूरा महेश्वर तंत्र पढ़ जाइए, केवल तीन की विवेचना है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है और उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। जब ये बात बताई जाती है तो आप सबको अजीब सा लगता होगा कि ये कहाँ से मत आ गया है कि जब देखो तो अक्षर अक्षरातीत की बात करते हैं। यदि हम अपने घर की देवी को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हमारे तो घर का ही नाश हो जाएगा। आप उसको क्या कहते हैं, कुल देवी। कुल देवी जानते हैं किसको कहते हैं, जो कुल की देवी हो। कुल देवी का तात्पर्य होता है कुल की देवी। और समस्या यह है कि यहां तो देवी ही देवी की दुश्मन बनी हुई है। देखिए एक सच्ची घटना आजकल बहुत देखने में आ रहा है। एक अनाथालय की मैं बात बता रहा हूं। अनाथालय में एक स्कूल के बच्चे जाते हैं, वहाँ एक लड़की जब देखती है कि मेरी दादी यहाँ है तो फुट फुट कर अपनी दादी से मिलकर रो पड़ती है, क्योंकि उसके माता पिता ने कहा कि तेरी दादी अपने मायके गई है
और वो देखती है कि मेरे पिता ने मेरी दादी को अनाथालय में छोड़ रखा है। मैं माताओं से एक विशेष बात कहना चाहूंगा और ये बहुत जरूरी है। वेद में क्या कहा गया है, तुम राजी भाव, जिसका विवाह होता है वो अपने घर की क्या है, महारानी। वैसे संसारिक बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अध्यात्म के प्रसंग में ये कहना जरूरी है। आज जिधर देखिए अनाथालयों की बाढ़ आ रही है, वृद्धाश्रम जगह जगह बन रहे हैं। वृद्ध क्या होते हैं, घर की शोभा होते हैं। मनु ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्ध उपसेविना चत्वारि तस्य वंतन्ते आयु विद्या यशोबलम्। जो प्रतिदिन वृद्धों का, ज्ञानी जनों का सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। हमारी संस्कृत कहती है कि जब वृद्धावस्था आए तो हर व्यक्ति को चाहिए कि परमात्मा की भक्ति में लग जाए, संसार का मोह छोड़ दे। लेकिन संसार का मोह छोड़ना तो कठिन होता है, परिणाम क्या होता है, जो घर में बहू आ जाती है, पोते पोतियां पैदा होते हैं, तो जिसने घर बनाया होता है, घर बसाया होता है, सारी संपत्ति दी होती है, उसी को बोझ समझा जाता है। और बहनों से मैं एक कठोर बात कहना चाहता हूं कि हर स्त्री अपने भाई से तो बहुत प्रेम रखेगी, अपने माता पिता से बहुत प्रेम रखेगी, लेकिन पति के भाई उसके अच्छे नहीं लगते, पति के माता पिता अच्छे नहीं लगते। एक कड़वी सच्चाई है। उत्तर भारत में तो अभी कुछ मर्यादा बची है। तमिलनाडु में वेंकटेश जी ने बताया था कि वहाँ की हर लड़की पहले ही शर्त रख देती है कि मैं तुम्हारे माता पिता को अर्थात सास ससुर को बिल्कुल देखभाल नहीं करूँगी। अब सोचिए ये कितनी कड़वी बात है। उसको यह सोचना होगा कि जिस तरह से तुम अपने पति के माता पिता को निकलवा रही हो, तुम्हारे माता पिता को कोई निकाले तो तुम्हें कैसी पीड़ा होगी। इसलिए आज जहां देखिए वृद्धाश्रम पड़े हुए हैं, वो सोचते हैं, वो जानते हैं कि मेरा बेटा प्रोफेसर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा वकील है, लेकिन मैं कहां हूं, अनाथालय में। इसकी जड़ में कौन है, माताएं बहने, जिसको कुल देवी कहा गया है। कुल की देवी कौन है, जिसके अंदर ज्ञान हो, भक्ति हो, जो समाज को मार्गदर्शन दे। यत्र नारिया तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कुल की पूजा यही है कि हर नारी तो निर्मात्री होती है, वो सृष्टि की जननी है, उसके अंदर करुणा है होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। माता जैसी होगी वैसी ही तो संतान होगी। तो जो आप पत्थर की कुल देवी की पूजा करते हैं, उसकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। घर में जितनी महिलाएं हैं सभी परमात्मा की भक्त हों, सभी जाने कि एक परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, कैसा है। आप लोग जो डरते हैं कि हम इस देवता की पूजा नहीं करेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, देखिए त्रैत्रिंशत् देवा, 33 देवता है, 33 करोड़ नहीं, 33 देवता है। 33 देवता कौन है, एकादश रुद्र, 11 रुद्र होते हैं, 10 प्राण और 11 ममन। अष्टवसु, अष्टवसु कौन है, 5 तत्व, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। पांचों तत्वों से ही सबका शरीर बना होता है, पांचों तत्वों की सृष्टि में ही सारे प्राणी रहते हैं, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र का इसमें योगदान होता है, इसलिए इसको अष्टवसु कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सारी प्रजा वास करती है। द्वादश आदित्य, वर्ष के 12 महीने, क्योंकि ये सबकी आयु को हर लेते हैं। 12, 8, 20 और 11, 31, 32वां क्या है, यज्ञ। यज्ञ किसको कहते हैं, प्रजापति को। अभी बिजली है तो मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है, अभी लाइन चली जाए तो क्या होगा, यहाँ अंधेरा छा जाएगा, मेरी आवाज भी आप तक नहीं पहुंची। इसलिए जो 33वां देवता है वो है इंद्र। इंद्र किसको कहते हैं, ऐश्वर्य को। ऐश्वर्य का कारण कौन है, विद्युत।
और 32वां देवता जो मैंने प्रजापति का वो है यज्ञ। आप जो चर्चा का श्रवण कर रहे हैं तो आप ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आप आध्यात्मिक यज्ञ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो आत्मिक यज्ञ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं तो आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, आप भूखे को भोजन दे रहे हैं, पशु पक्षियों को भोजन दे रहे हैं तो ये बलि वैष्णोदेव यज्ञ कर रहे हैं। जितने शुभ कार्य हैं वो यज्ञ हैं, और यज्ञ किसको कहते हैं? प्रजापति को। ये 33 देवता हैं। 34वां देवता कौन है? देवताओं का भी देवता कौन है? वह परमात्मा जिसका ध्यान सभी करते हैं, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्त स्तवंत दिव्य स्तव, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र शिव जी जिसकी आराधना करते हैं। वेदय सांपद क्रम उपनिषदे गायंती हम साम का, साम वेद के गायक जिसका वेद मंत्रों से गायन किया करते हैं। ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो, योगी लोग ध्यान में स्थित होकर जिसको देखते हैं। यस्यांतम न विदो सुर असृंगड़ा तस्मै देवाय नमो नमः, जिसका न आदि और अंत कोई नहीं जानता उसी परमात्मा को सबकी आराधना करनी चाहिए। मैं पूछूं परमात्मा कितने हैं तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या कोई कहेगा कि 4-5 परमात्मा होते हैं? परमात्मा तो एक है, और उसको जानना है कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। मैंने आपको बताया देवता कौन है, अभी सूर्य देवता है प्रकाश देता है, चंद्रमा देवता है चांदनी है देता है, वायु देवता है, हवा ना रह जाए तो एक मिनट भी आप जीवित नहीं रह पाएंगे, जल देवता है, ये जड़ देवता है। परमात्मा क्या है? चेतन का भी चेतन है। जो भी महापुरुष इस सृष्टि में हुए, किसी ने ज्ञान दिया आपको, मार्गदर्शन दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या किया? एक आदर्श जीवन पद्धति बताई कि एक पिता के आदेश पर वन चले जाते हैं। शाम को कहा गया कि आपको सिंहासन पर बैठना है, सूर्योदय से पहले आदेश मिल गया कैकेयी माता की तरफ से कि नहीं सिंहासन तो नहीं मिलेगा, सन्यासी का वेश धारण करके आपको वन में नंगे पांव जाना पड़ेगा, 14 वर्षों तक बस्ती में नहीं जा सकते। जैसे सन्यासी का जीवन होता है वैसे जटाएं बनानी पड़ेगी, वलकल वस्त्र पहनने पड़ेंगे, नंगे पांव चलना पड़ेगा, और राम मुस्कुराते हुए चल देते हैं, कोई गिला सिखवा नहीं। ये महानता है, भगवान राम के पदचिन्हों पर चलना उनकी पूजा है, हनुमान जी के पदचिन्हों पर चलना उनकी पूजा है। अब देखिए गली गली में हनुमान जी के मंदिर तो बन गए, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि हनुमान जी की सच्ची पूजा क्या है। हनुमान जी वेदों के विद्वान हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, वीर हैं, उनके गुणों की कोई पूजा नहीं करता। हनुमान जी बंदर नहीं है जैसे कि आप समझते हैं, हनुमान जी इतने सुंदर हैं कि पूरे इस गांव तो क्या, पूरे सहारनपुर क्या, कई जिलों में उनके जैसा कोई सुंदर व्यक्ति नहीं होगा, उनकी पूछ नहीं है। जैसा कि टीवी में भी दिखा दिया जाता है, अपने आजकल तो हनुमान चालीसा चारों तरफ गाया जाता है, उसमें क्या लिखा है? बाल समय रवि भक्ष हलु तब तीनों लोक भयो दियारो, ताई सुत्रास भई जग को ये संकट जात न टारन। सूर्य को निगल लेने का अर्थ क्या है? सूर्य तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, हनुमान जी कैसे निकलेंगे? हनुमान जी पृथ्वी पर रहते हैं। ये देखिए अलंकारिक वर्णन है, अलंकारिक वर्णन कैसे? जैसे कोई बच्चा पूरी किताब को रट लेता है तो क्या कहेगा? मैंने पूरी किताब को पी लिया है। उसी तरह से सूर्य विद्या में हनुमान जी पारंगत थे। अभी जम्मू के आसपास एक महात्मा जी रहते हैं, पता नहीं इस समय है कि नहीं है, वो सूर्य साधना कराते हैं। सवेरे सवेरे वो शरीर से कपड़े उतार कर थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं और कुछ भी नहीं खाते पीते, रोटी दाल चावल दूध कुछ नहीं लेते, केवल धूप का सेवन करते हैं। आपका जो भोजन बनता है सूर्य के प्रकाश से पत्तियां उसको ग्रहण करती हैं, जो भी फल लगते हैं वनस्पतियां जितनी होती हैं सब सूर्य के प्रकाश से। कमरे के अंदर कोई पौधा उगा दीजिए, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो उसका विकास नहीं होगा। उसी तरह से जैसे
सोलर की चार्जिंग की जाती है शरीर पर धूप लेकर, जो वो ऊर्जा ले लेते हैं उसी से उनका 24 घंटे का गुजारा होता है। कभी बहुत आवश्यकता हुई तो आधा एक गिलास छाछ पी लेते हैं, कई वर्षों से उनका जीवन चल रहा है। और उसी सूर्य विद्या में हनुमान जी निष्णात थे, इतना कि कह दिया गया कि इन्होंने तो सूर्य को ही निगल लिया। ऐसा नहीं कि सचमुच उन्होंने सूर्य को निगल लिया, सूर्य में देखिए इतना तापक्रम है कि वो तो वहाँ कुछ भी चीज़ होगी, लोहा भी वहाँ गैस के रूप में है। इसलिए इस जाहिरी सूर्य को नहीं निकला, सूर्य विद्या को ग्रहण किया अगस्त ऋषि ने। वैसे ही देश विदेश में समुद्र की इतनी यात्राएं की कि आलंकारिक रूप से कहा गया कि ये समुद्र को ही पी गए हैं। ऐसे तो हंसी में कह दिया जाता है कि देखिए समुद्र को पी गए और लोग शंका कर दिए तो समुद्र का पानी आज भी खा रहा है। तो ये केवल कहने की बात है, ये आलंकारिक वर्णन है। उन्होंने देश देशांतर में यात्रा करके ज्ञान का प्रचार किया था, वैसे ही ये आलंकारिक वर्णन है किसी भी देवी देवता का। आप उस गीता के पदचिन्हों पर चलिए, वह गीता जो बताती है कि उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर क्या है? ये सारा जगत क्षर है। क्षर से परे क्या है? अक्षर। अक्षर कौन है? जो क्षर का सतंग है। कैसे? एक बहुत बड़ा अधिकारी है, डॉक्टर है, या मान लीजिए कि कलेक्टर है, जब अपनी कुर्सी पर बैठा होता है तो रोब दाब से बैठता है, हंसी मजाक नहीं करेगा। जब वह घर आता है तो क्या करता है? घर वालों से हंसेगा, बोलेगा, बच्चों के साथ खेलेगा। लेकिन जो घर पर जैसा व्यवहार कर रहा था वह अपने कार्यालय में नहीं कर सकता। जब वो सो जाता है तो सपना देखता है, सपने में डरता है, भागता है। पत्नी कहती है कि कहाँ भाग रहे हो? तो कहता है कि मेरे सामने भयानक बाघ आ गया था, इसलिए डर के मैं भाग रहा था। कहती है कि सो जाओ। उसको पता तब चलता है कि मैं तो सो रहा था, सपने में मैं बाघ को देख रहा था। व्यक्ति एक है, लीलाएं तीन तरह की है। एक में वो सत्ता की लीला कर रहा है, परमात्मा एक है, परमात्मा की तीन तरह की लीलाएं हैं। आनंद के स्वरूप की लीला जो कर रहा है वो अक्षरातीत है, सत्ता की जो लीला कर रहा है वो अक्षर है, और जो स्वप्न में ही लीला कर रहा है वो नारायण है, आदि नारायण। वह आदि नारायण जिसकी यह बनाई हुई सृष्टि है। स्वप्न में कौन जाएगा? जो अज्ञान दशा में होगा। सत्ता में जो कौन होगा? जो आनंद का ही तो अंग होगा। जो अधिकारी, जो कलेक्टर घर में हंस बोल रहा था, वह जब कार्यालय में जाएगा तभी तो कलेक्टर कहलाएगा। घर तो उसके प्रेम और आनंद की भूमि है। इसलिए अक्षरातीत का सतंग है अक्षर, और अक्षर के मन का स्वप्निक स्वरूप जो झूठे संसार की रचना कर रहा है। यह संसार क्या है? कभी यह पृथ्वी नहीं थी और कभी पृथ्वी रहेगी भी नहीं। यह सूरज है, दहक रहा है, एक दिन ठंडा हो जाएगा। पृथ्वी भी कभी दहकती हुई आग का गोला थी। संसार में आप देखते हैं बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। हर वस्तु जो बनती है वो एक दिन काल को प्राप्त हो जाती है। जो जन्मता है, जातस्य ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, और जो मरा हुआ है उसका पुनर्जन्म होगा। अब कोई भवन बनाएंगे तो एक दिन उपभवन अवश्य गिरेगा, पहाड़ पर चढ़ेंगे तो एक दिन उतरना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है। उसी तरह से परमात्मा की वह शक्ति जो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करती है, पालन करती है और प्रलय कर देती है, वो कहलाएगी अक्षर। जो प्रेम और आनंद के सागर में क्रीड़ा कर रही है वो अक्षरातीत, और जो स्वप्न के ब्रह्मांड में स्वप्न की सृष्टि का संचालन कर रही है, जिसकी चेतना सभी प्राणियों के अंदर जीव रूप से है, वो क्या कहलाएगा? क्षर। इसलिए क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। जितने भाई बंधु हैं, बहनें हैं, वह सोचें कि आपका कल्याण केवल करवा चौथ से नहीं होगा, आपका कल्याण देवताओं के भी देवता उस परम प्रेम और आनंद के सागर, उस अक्षरातीत के चरणों में जाने से होगा।
आप घरों में तो जिसकी पूजा कर रहे हैं। शंकर जी पर पहला अधिकार किसका होगा? उमा का ही तो होगा, आपका तो नहीं होगा। विष्णु भगवान पर पहला अधिकार किसका होगा? लक्ष्मी का होगा, आपका नहीं होगा, चाहे कितनी भी पूजा कर लीजिए। लेकिन जिनका ध्यान भगवान शिव करते हैं, अभी मैंने आपको बताया यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्त अस्तवंत दिव्य है स्तवय, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र शंकर जी जिनकी ध्यान करते हैं, जिनका स्वयं शंकर जी क्या कहते हैं कि हे उमा, मैंने 5000 वर्षों की समाधि लगाई और उस समाधि में मैंने ईश्वर से जो ज्ञान सुना, ईश्वर ने सदाशिव से सुना, सदाशिव ने अक्षर से सुना, उस अक्षरातीत का ज्ञान मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये किसी को बताना नहीं। और आपका ये सौभाग्य है कि आपको तो यहाँ जबरन बुलाया जाता है, आपकी सेवा की जाती है, आपको यही प्रयास किया जाता है कि जो भी सत्संग सुनने आए उनको कोई कष्ट न होने पाए। अब यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए देखिए चौहान जी 4 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, किस लिए? आपको वो ज्ञान मिले। इसलिए हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान के श्रवण करने का अवसर कभी कभी मिला करता है। सब कुछ आप पा सकते हैं, धन संपदा संग्रहित कर सकते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग सुने ज्ञान को अपने हृदय में आत्मसात किए बिना आपको ये बोध नहीं हो सकता हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है, कहाँ है, कैसा है। उस अपनी आत्मा के प्रीतम को पहचानिए जो सबका है, बच्चे का भी है, बूढ़े का भी है, स्त्री का भी है, पुरुष का भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी है, सबका है। मैं सभी भाइयों से बहनों से आग्रह करूँगा, अभी आज कार्यक्रम की शुरुआत होती है, हुई है, कल होगी, अधिक से अधिक संख्या में अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को लेकर आइए जो ये जान सकें कि एक परमात्मा की भक्ति ही सबका कल्याण करती है। यदि सती अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने संकल्प बल से 6 महीने का बालक बनाकर पालने में झुला सकती है, यमराज आते हैं कहते हैं कि सावित्री तुम्हारे सतीत्व के तेज से मेरे दूत आकर चले गए, इसलिए मैं तुम्हारे पति सत्यवान को लेकर आया हूँ, लेने के लिए आया हूँ। सावित्री अपने सतीत्व के तेज से यमराज को भी हरा देती है और अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है। यदि आपको पता चल जाए कि एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है और उसी प्रेम से जिसके लिए गीता कहती है पुरुष ऐसा परापार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति, वह आप अपने हृदय में धारण करेंगे तो आपको जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस अक्षरातीत की आप भक्ति करेंगे उसी अक्षरातीत की भक्ति गणेश जी भी करते हैं, शंकर जी भी करते हैं, हनुमान जी भी करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, विष्णु भगवान भी करते हैं, सभी देवता उन्हीं की भक्ति करते हैं। इसलिए देवता की पूजा का अर्थ क्या है? जो वो करते हैं, जो हमें रास्ता बताते हैं, हम भी उनका पूजन करें। जैसे शंकर जी ध्यान में बैठे हैं तो शंकर जी जिनका ध्यान कर रहे हैं हम भी उनका ध्यान करें तो यही उनकी पूजा होगी। पूजा का अर्थ क्या होता है? सत्कार, कोई आता है उसका हम सत्कार करें, ये पूजा है। हनुमान जी की पूजा क्या है? जैसे हनुमान जी हैं हम भी उनके पदचिन्हों पर चलें, ये हनुमान जी की पूजा है। राम की पूजा है, जिस तरह से भगवान राम ने धर्म की मर्यादा का पालन किया हम भी धर्म की मर्यादा का पालन करें, सत्य बोलें, बड़ों का कहना माने, परमात्मा का ध्यान करें। यदि हम करते हैं तो हम राम के सच्चे पुजारी हैं। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि इस देवता की पूजा हमारे घर में हो रही थी, कुल देवी की पूजा हो रही थी, हमने छोड़ दिया। मैं सोचता हूँ कि सचमुच घर की हर देवी देवी बने। घर ये क्यों घर में झगड़ा लगाए कि ये बूढ़े सास ससुर को निकालो नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी, ये आजकल प्रचलन चल पड़ा है। उस बूढ़े माता पिता के कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता, जिन्होंने एक एक ईंट जोड़कर मकान बनाया होता है बुढ़ापे में उन्हीं को घर से निकाल दिया जाता है। गांव में तो ऐसा नहीं होता लेकिन आजकल शहरों में ट्रेंड चल पड़ा है, जगह जगह वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं और उसमें कौन जाता है? गरीब लोग नहीं जाते, बड़े बड़े घरों के बूढ़े माता पिता रोते रोते उनकी जीवनी गुजर जाती है।
इसलिए इसकी दोषी आप माताएं बहने हैं जो घरों में पत्थर के देवता को तो पूजा करती हैं, कुल देवी की पूजा करती हैं। कुल देवी तो आपके घर की बच्ची है, उसको इतना संस्कारित बनाइए कि वो अनुसुईया बने, सावित्री बने, गार्गी बने, अपाला बने, घोसा बने। इसलिए ज्ञान की पूजा कीजिए। हर घर घर में ज्ञान का सत्संग होना चाहिए, परमात्मा का ध्यान होना चाहिए। इसलिए ये तो बहुत अच्छा अवसर है। अभी हम 100 दिन का कार्यक्रम करके आए, जब मैं आया तो संख्या बहुत थोड़ी थी। और ये सच है कि यदि गुजरात में मैं होता तो कम से कम 500,000 की संख्या हो जाती। ये हिमालय की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, लेकिन माया का इतना आजकल प्रभाव पड़ गया है कि सत्संग होने पर बहुत कम संख्या आई है। इतना बड़ा गांव यहाँ, तो यदि गुजरात में इतना बड़ा गांव होता तो हर घर से संभवतः कोई ना कोई चर्चा सुनने के लिए आता। आप जितना अध्यात्म में रुचि रखेंगे आपके जीवन का कल्याण होगा। इसलिए मैं आशा करूँगा कि आप अपने अड़ोस पड़ोस से जो भी लोग हों सबको बोलिए कि इस कार्यक्रम कल के कार्यक्रम में आएँ। कल प्रवीण जी भी आएंगे, कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। और मैं आशा करूँगा कि आप उस सत्संग में बैठकर समझिए, आपको साहित्य भी मिलेगा या जानने का अवसर मिलेगा कि हम किसकी भक्ति करें। आंखें बंद करके पत्थर मारते रहेंगे तो आम कोई फल कहाँ से गिरने वाला है। इसलिए कुल देवी क्या है, कुल देवता क्या है, घर का हर पुरुष कुल देवता बने, हर महिला स्त्री कुल देवी बने, लेकिन इसके लिए ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश चाहिए। अंधविश्वासों से परे होना पड़ेगा। यदि आप पत्थर के भगवान को तो खिलाते हैं, लेकिन आपके सास ससुर वृद्धाश्रम में वहाँ दया पर मिली हुई रोटी खाने के लिए विवश हैं, तो सोचिए आपकी उस पूजा से कोई भी लाभ नहीं है। घर में कोई महिला जलाई जाती है दहेज के लिए, तो उसके पीछे कौन, किसका हाथ है? कोई ना कोई महिला ही होती है जो उसको जलने के लिए विवश करती है। पुरुष की शक्ति नहीं है जो किसी महिला को जला दे। इसलिए कुल देवी की पूजा क्या है, जिसको आप जला रही हो वही कुल देवी है, वो घर की महारानी है, उसको जलाओ नहीं, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करो। ये सच्ची पूजा है, सच्ची भक्ति है, एक अक्षरातीत की भक्ति, उसका ज्ञान आवश्यक है। जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास चले हैं, विकृतियां चली हैं, उसको दूर करना आवश्यक है। ज्ञान का प्रकाश मिले तो हर जीवन धन धन हो जाए। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें मनुष्य ज्ञान को ग्रहण कर सकता है और सत्य के पथ पर चल सकता है। इससे मेरा वक्तव्य पूरा होता है। मैंने 5 मिनट ज़्यादा ही बोल दिया, जो मैं ऐसा नहीं करता। मैं आशा करूँगा कि कल और अधिक संख्या आएगी।